सवाल ये है कि हमारे दर्शक इसके बारे में क्या सोचते हैं। कुमार शिशिर सिन्हा मेरे एक दर्शक मुंबई से जुड़ गए हैं। कुमार, क्या बैठक एक अच्छा कदम है और क्या कश्मीरी पंडितों का ध्यान रखा नहीं गया? दीपक जी नमस्कार, मैं अपनी दो बातें रखूंगा। पहला तो ये कि ये जो लुटेरे हैं जिन्होंने 70 साल उस कश्मीर अपनी मातृभूमि के साथ जो अन्याय किया है और पाप किया है 5 लाख कश्मीरियों को निकालने का, ये आज आपके पैनल में मैं देख रहा हूँ एक जिहादी बैठा हुआ है जो 1 लाख मरने वालों की बात कर रहा है, ये उस सोच के आदमी है। आज जब परिसीमन की बात हो रही है तो इनको डेमोग्राफी चेंज लग रही है, लेकिन जो ये 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मण पंडित जो अपने निकाल बाहर किए गए हैं, ये दर्द उनका दिखाई नहीं पड़ रहा उनको? और वो स्टेक होल्डर, रियल स्टेक होल्डर है इस बातचीत के बीच में दीपक जी। और तो दूसरा जो मुद्दा मेरा ये कहना है कि आज जो ये जो आपके जो गुपकार हैं कौन, ये लुटेरे जिन्होंने कहा था, जिसकी जो नेता है उसने कहा था कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा हमारे देश का, झंडा उठाने वाला, जो झंडा उठाने वाले थे उसको तो बाहर कर दिया तुमने, और आज बात करो झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। इन लोगों को जेल में बंद करना चाहिए, इन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। ये पूरे देश का दर्द है दीपक जी, ये पूरे देश का दर्द है।